हरियाणा के रेवाड़ी में बदमाश अब बेखौफ हो चले हैं। ताजा मामला शहर की मेन मार्केट से सामने आया है, जहां हथियारों से लैस अज्ञात बदमाशों ने एक दुकान में घुसकर सरेआम दो सगे भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों की ये करतूत पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि हमला करने वाले आरोपी शहर में पीने के पानी की सप्लाई का काम करते हैं। वहीं सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि कैसे आरोपी बेधड़क दुकान में घुसते हैं और दोनों भाइयों को बेरहमी से पीटते हैं। पिटाई के बाद बदमाश दुकान में तोड़फोड़ कर गल्ले से कैश और बाकी सामान लेकर फरार हो जाते हैं। फिलहाल बदमाशों के हमले में घायल दोनों भाइयों को शहर के ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। ऐसे जी रोज व्हीकल तक के असराय में ले जाते हैं। कौन है ये पानी सप्लायर? लेकिन वो ऊपर देखते नहीं, नीचे देखते नहीं, भिड़ा के निकल जाते हैं। फिर आके मतलब दो चार बदमाशों को बुला ले, दूसरे लड़के की सोम में उनने मारपीट के सारा सामान बखेर दिया, पैसे वगैरह भी तो गले में। तो कितने लोग थे जो मारपीट करने आए थे? 6-7 थे कौन से, और मतलब बाहर भी खड़े थे उनके आदमी, ज्यादा थे वैसे। 6-7 दुकान में घुसे थे मतलब। किस किस को चोट आई है? दोनों बच्चों को आई है, जो काम करते थे उनको थोड़ी बहुत। पिटने ये हुई थी कि टेम्पो वाला आ रहा था, तो वहाँ से पापा खड़े थे, वो पर्दा तोड़ गया टेम्पो वाला और ड्रिंक कर रखी थी पूरी दोनों बंदे ने, और गाड़ी क्रॉस करने लगे। पापा से मम्मा बैठ गई गाड़ी क्रॉस करके, तो मैं दुकान से निकला, भाई गाड़ी क्यों भाग रहा है? जो पर्दा हुआ तो धमकी दे रहा है कि बाजार में आग लगा देंगे, गुक्कल गढ़ की है, कौन क्या कर लेगा नुआ। फिर उन्हें 8-10 बंदे बुला लिए गुक्कड़ से, सबने हथियार किसी सजिया किसी में किया था। उसके बाद दुकानें बढ़ गई, सारे काउंटर वाउंटर सब कुछ तोड़ दिए, फेंक दिए। वो गले में हाथ मारे, जो गले में पैसे थे वो भी ले गए, वो सब कुछ तोड़ ताड़ दिए, कपड़े फाड़ दिए, भाई के चोट मार दी, सरिया मार दिया, मेरी जो मारे लोहे के जो सरिया थे सब कुछ, जो भी हथियार हाथ में आए वही मारने लग गए। और देख वो गुद्दी गादी पकड़ ली, चैन थी सोने की भाई के पास थी और मेरे पास भी सोने चैन थी, और उसके बाद गले में हाथ मार के बोले तो बाहर निकलो, जान से मार देंगे, पुलिस मेरा क्या बिगाड़ लेगी। हुई बहुत में लगी धमकी देखी गए, पुलिस तो हमारा बाड़ी बात कर नहीं कर सकती। ये तो उपद्रवी तरफ थे जी, मारने के उस पे आए थे, लेकिन बाजार वालों ने बचाया भी करा, लोगों के सर भी फोड़े, सरिये भी मारे इन्होंने, और धमकी और दे गई। पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, प्रशासन हमारे हाथ में, तो कृपया प्रशासन इस ओर ध्यान दे, नहीं तो ये घटित घटनाएं होती रहेंगी। आज ये दुकानदार के मारा, कल और कहीं मारेंगे, गले से पैसे भी उठाएंगे। तो हम चेन भी तोड़ के ले गए बच्चे की, सर पे मार भी गए, तो इस ओर कृपया ध्यान रखे प्रशासन। हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि हमारे पक्ष में फैसला आए और हमें न्याय मिले। कहाँ के बताए जा रहे हैं? गोकल गांव के हैं, पानी सप्लाई करते हैं, 15-20 लड़के थे, सरिये हॉकी सब चीज लेके आए थे। तो, क्या लगता है कि सरेआम गुंडागर्दी हो रही है? सरेआम ओपनली गुंडागर्दी है, मेन बाजार है रिवाड़ी का, सम्य व्यस्तम बाजार है, कोई पुलिस की सुरक्षा नहीं थी। पुलिस को 112 में मैंने 4 बार फोन किया, कोई सुनवाई नहीं हुई उसमें। वहीं मामला बढ़ता देख आसपास के दुकानदार भी मौके पर इकट्ठा हो गए और दोनों भाइयों को कड़ी मशक्कत के बाद आरोपियों से छुड़ाया, जिसके बाद हमलावर घायलों को जान से मारने की धमकी देते हुए बाइक पर बैठ मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रत्यक्ष दर्शियों और घायलों के बयान के आधार पर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।